हेलो दोस्तों, तो न्यू ईयर आने वाला है तो आपके भाई ने एक बहुत शानदार वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो को बताता है फुल ट्यूटोरियल, आपको वीडियो स्किप मत करना। और आपको पता है आपका भाई यहाँ पर टाइम नहीं लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला एप्लीकेशन दिख रहा है, इसको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये काइन मास्टर का ही हिस्सा है, कोई अलग से ऐप नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करनी है अपनी, कोई सी भी आप अपनी मनचाहे फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार ये वाली फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 7 फोटो सेलेक्ट के ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर टैप कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर कोई से भी इफेक्ट में इस वीडियो को बना लेना है। आप कोई सा भी यहाँ पर इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक बार ये वाला इफेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। और इसको आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, इस पर टैप कर देना है। और आपको यहाँ पर इतनी सारी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, इनमें से आपको कोई सी भी सेलेक्ट कर लेनी है और ओके प्रेस कर देना है। यहाँ पर वीडियो सेव कर लेना है ताकि वीडियो गैलरी में सेव हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ये पहले से सेव कर रखा है। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया है। तो काइन मास्टर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया है, वहाँ पर आप डीएम करके मेरे वाला काइन मास्टर ले सकते हो। इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो प्लस पर टैप करते हैं, 16 और 9 वाला रेशियो दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से गैलरी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जितने भी आइटम यूज करूँगा उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर टैप करना है, एक कोई सी भी कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, आप देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो ऐड करना है। तो लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं और अपनी गैलरी से ये वाला वीडियो ऐड कर लेते हैं। वीडियो आपके भाई ने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है और यहाँ पर फुल स्क्रीन इसको कर देना है। इसमें साउंड ऐड है दोस्तों, और एक बार राइट पर टिक कर देना है। दोस्तों जो हमने उस एप्लीकेशन में वीडियो एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं और अपनी गैलरी से वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इस वीडियो को आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको फुल जूम कर लेना है और आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर देना है। इतना सेट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। और सेंड टू बैक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इस पर टैप कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये वीडियो आ जाएगा। अब आप क्या करना है, नीचे वाले ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर टैप करना है और क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है, इसको इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर की कलर में ग्रीन ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर नहीं आए तो आपको यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है और राइट पर टिक कर देना है। और यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, ये वीडियो ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो आपको एक बार स्टार्ट में आना है और राइट पर टिक कर देना है। और लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं, एक और इफेक्टेड वीडियो ऐड करना है। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वाला वीडियो ऐड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर इस एरो पर टैप करके फुल स्क्रीन कर देते हैं। अगर इसका साउंड आए तो यहाँ से म्यूट कर देना है। और यहाँ पर ऑडियो पर टैप करके एक बैक आ जाते हैं यहाँ पर। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर देना है। और नीचे स्क्रॉल करने पर स्क्रीन पर टिक कर देना है और एक बार राइट पर टिक कर देना है। और एक छोटा सा वीडियो और आपके भाई ने यहाँ पर तैयार किया, वो हमें यहाँ स्टार्ट में लगाना है। तो मीडिया पर टैप करना है और वो वीडियो हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो वीडियो ये वाला है, आप देख सकते हो इसकी ड्यूरेशन दोस्तों काफ़ी बड़ी है। तो इसकी ड्यूरेशन मैं एक बार इसको यहाँ पर 4 सेकंड के आसपास रख लेता हूँ इतनी। तो इस पर टैप करते हैं और कैंची पर जाते हैं, ट्रिम टू राइट और प्लेहेड कर लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन हम इतनी रखेंगे और स्टार्ट में आ जाते हैं। लेयर पर टैप करते हैं, ओवरले पर टैप करते हैं और आपको ये वाला इफेक्ट दिख रहा है दोस्तों, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए गेट मोर में चले जाना है अपने मोबाइल का डाटा ऑन करके, और इस इफेक्ट को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने बाद इस पर टैप कर देना है और आपको यहाँ पर 5 वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला, इसको टैप कर देना है। तो यहाँ पर 5 सेकंड का टाइमर लग जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से। तो इसको आप यहाँ दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, इस एरो पर टैप करके छोटा भी रख सकते हो, इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो मैं इसको इतना बड़ा कर लेता हूँ, राइट पर टिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपको इस वीडियो पर टैप करना है और यहाँ तक आ जाना है इतनी दूरी पर, और लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं और बैकग्राउंड में फिर से आपको चले जाना है। और बैकग्राउंड में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जो कलर अच्छा लगे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार ये वाला कलर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों इसकी ड्यूरेशन हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, इतनी कर लेते हैं, स्टार्ट में आ जाते हैं और आपको इस एरो पर टैप करके इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है। और एक बार राइट पर टिक कर देते हैं, फिर से इसी पर टैप करते हैं, ओवरले पर टैप करते हैं और आपको यहाँ पर फ्लिकर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है और राइट पर टिक कर देता हूँ। तो वीडियो आप देख सकते हो आपका बन चुका है। इस तरह से आपका वीडियो बनेगा, एक क्लिक में आपका वीडियो बन गया। आपके भाई ने
मेहनत करके सभी मटेरियल यहाँ पर तैयार कर दिया। वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों, कितना शानदार कितना मस्त वीडियो बनाए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस वीडियो को हम करते हैं गैलरी में सेव। तो यहाँ पर एरो पर टैप करते हैं। पहले हम एक दोस्तों, अगर मैं आपको बात बता दूं, अगर इस वीडियो की लंबाई है उतनी हमें इस बैकग्राउंड की लंबाई रखनी है। इससे ज़्यादा हम रखेंगे तो वीडियो हमारा एंड में ख़राब हो सकता है। तो इसकी लंबाई यहाँ पर कुल मिला के सही है। तो हम इस एरो पर टैप करते हैं और यहाँ पर गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।